ये थोड़ा सा लेफ्ट होइएगा, इधर थोड़ा राइट, थोड़ा। अरे ठीक तो बैठा हूँ, कभी इधर कह रहा कभी उधर कह रहा। भाई ये तस्वीर आज तो उतरने से रही, ये नहीं बना पाएगा। सीधी तरह तस्वीर खींचना, इधर उधर क्या कर रहा है? दो दिन से तुझसे एक तस्वीर नहीं बन रही। मैं तो पहले ही कहता था ये मेरी यहाँ सुनता कौन है। अच्छा मरती मेरी भी नहीं थी। बस भाई बस, तुम दोनों से मायूस होकर मैंने अमल और हैम की शादी का फैसला किया है। आइंदा बाकी सब कुछ ये दोनों संभाल लें। क्यों बेटा? मेरी दर्जी आ गया। दर्जी आ गया? अच्छा तो भाई अब जाएं आप। जाओ जाओ चलो। और सुनो खबरदार, कोई तस्वीर प्रेस में नहीं आनी चाहिए। और कान खोल कर आप दोनों मेरी बातें सुन लें। माइयों से लेकर वलीमे तक सरताज विला में जश्न है, जंग नहीं। हर वक्त टक 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 टक। चल भाई लुकमान, वो बाजे वाले कहाँ हैं? आजा आजा। अरे भाई मियाँ जी जो मर्जी कह लें, सरताज विला में होगा वही जो हमेशा से होता आया है। घर का अम तो बड़ों के हाथ में होता है, क्यों जेठानी जी? सुना आपने ये क्या कह के गई है? इसकी तो आदत है। इसकी तो आदत है। शुरू जंग पर। बेस्ट ऑफ लक दूल्हा भाई। मैं आपके साथ हूँ भाभी। क्या जरूरत थी उनके मुंह लगने की? खामोश रहना तो कोई आपसे सीखे। एक तुम औरतों की मत और मसले दोनों ही बड़े अजीब होते हैं। इनके सिरे ढूंढते ढूंढते बंदे का मगज खाली हो जाता है। हमारी हक तलफी आप भूल सकते हैं, मैं नहीं। और आज सवाल हमारी बेटी की जिंदगी का है। मियाँ जी की जिद के आगे मैं मजबूर हूँ, वरना इनकी मनमानियों को लगाम देना मुझे अच्छी तरह आता है। मेरी माने तो भाई साहब को साफ साफ कह दे, हक महर 5 करोड़ और उसके अलावा आजाद नगर और मॉडल कॉलोनी वाली फैक्ट्रियां भी अमल के नाम होंगी। अलमास, अब हर बात मौके पे ही होगी। सही वक्त का इंतजार करते करते अक्सर फैसले गलत हो जाते हैं कलीम। बात यहीं से शुरू होनी थी और हो चुकी। दूल्हा बारात लेकर शेरवानी पहनकर ही आएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। हाइम हमारा बेटा है, वो पेंट कोट ही पहनेगा। नूरजहां तू क्यों अपना खून जलाती है? उस बीए फेल का तो दिमाग खराब हो गया। दिमाग कलीम का नहीं अलमास का चलता है, वो तो सिर्फ जबान हिलाता है। ये छोटा भी बड़े बड़े इम्तिहान ले रहा है। और मियाँ जी के हुक्म से वो आपका समधी है, और समधी सिर्फ समधी होता है। तो अब से मैं भी उसका समधी ही हूँ। बात तो अभी शुरू हुई है, बड़ी शर्तें तो अभी आनी है। बड़ी शर्तें? जी आप क्या समझते हैं नईम साहब, कि बात इतनी सी है? अगर ऐसी बात है ना तो हम भी लड़के वाले हैं। बस डायलॉग ही बोले जाएंगे या कुछ करना भी है? करता हूँ मियाँ जी से बात। शर्तों पर रिश्ते बनते नहीं खत्म होते हैं, इसलिए इसे भी खत्म ही समझे। इतनी सी बात का इतना बड़ा इशू बना दिया, हर किसी की जबान पे बस यही एक इशू है। यार मैं शेरवानी पहनूं या सूट, शादी तो तुम ही से कर रहा हूं ना। एहसान कर रहे हो? इसे शादी कहते हैं। क्यों कर रहे हो?
क्योंकि मियाँ जी का हुक्म है। ब्रेकअप ही इस मसले का हल है। फिर ब्रेकअप? We don't have any other option, Haim. Fine. मुझे क्या फर्क पड़ता? Fine. Fine. God. Amal. पेंट और कोट? अबे तुझे सीना आता है? मियाँ जी, 6 साल से आपकी फैमिली का डिजाइनर हूं। हैं? जी, 6 साल से। तो वो देवरानी जिटानी का मसला हल हो गया? अभी नहीं जी। लो बे, आप मियाँ सूबेदार, बीवी घर में बैठी झोंके भाड़। ए भाई, तू किसका आदमी है? आपका ही नमकवार हूं मियाँ जी। चल जल्दी कर, वो और भी लोग तेरा इंतजार कर रहे होंगे। और एक बात सुन ले डीके, जी काम वक्त पर होना चाहिए। जी बेहतर, तो जा। अच्छा मियाँ जी, अजीब अजीब लोग आ जाते हैं। लुकमान, डीके खबर तो दे गया मगर तू खबरी बहुत अच्छा। अब जा जाकर उन दोनों को बुला। कहाँ हैं वो दोनों? जी अच्छा। नामाकुल, सब पर ही रंग चढ़ गया। अरे नूरजहां भाभी, अलमास भाभी को इतना समझाया कि दूल्हा पतलून कोट में अच्छा लगता है, लेकिन वो मानती ही नहीं है। अब हम क्या कह सकते हैं नूरजहां भाभी? ना, क्यों नहीं कह सकते? हम लड़के वाले हैं, जब हमारी कोई डिमांड नहीं है तो उनकी हिम्मत कैसे हुई? बड़ी आई उर्दूदान। ठीक कह रही हैं आप। भाभी, कलीम भाई और नईम भाई मियाँ जी के कमरे में हैं। लगता है कोई नया कानून पास हो रहा है। अल्लाह खैर करे। ये दिखाने में बड़ा खूबसूरत काम है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा डिजाइनर के कपड़े लड़कियां पसंद करती, केड़े रंग का दुपट्टा तो केड़े रंग की कमीज। अमल, तुम हर बात हर इश्यू इतना कैजुअली कैसे ले सकते हो? हाँ, शेरवानी सूट ये भी कोई इश्यू है? तुम तो अपने पेरेंट्स को ही सपोर्ट करोगे। और तुम किसे सपोर्ट कर रही हो? ठीक है, मैं शेरवानी ही पहनूंगा बस। अब खुश? अब क्या हुआ? ताऊ जी और ताई जी कभी नहीं मानेंगे। चाचू जी और चाची जी तो मान जाएंगे ना? कि फिर बातें बनेंगी? बनने दो बातें यार। मर्द हो ना तुम, एक दफा मुझे फैसला करके बताओ तुम्हें किसकी फिक्र है, अपनी मेरी या सबकी? और जल्दी बताओ क्योंकि पैंपर करते करते तुम्हें तंग आ गया हूं मैं।
फिर नहीं यार, फिर नहीं। अमल, पक्की खबर है अलमास भाभी, अगर झूठ होना तो जो चोर की सजा वो मेरी। अंदर हो क्या रहा है? अंदर तो पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन मैंने आज से पहले मियाँ जी को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। चलो, मर्दों के मामलात है, मर्द ही जाने। हाँ भाभी, लेकिन हम तो एक है ना। शुक्रिया रेशमा। ये शुक्रिया किस बात का अलमास भाभी, आखिर हम लड़की वाले हैं ना। चलो अच्छा है, ये मसला तो हल होगा ना। हाँ, ये मसला तो हल हो ही जाएगा, लेकिन ये मसला हल हो जाएगा तो फिर कोई और मसला खड़ा हो जाएगा। ऐसे ही होता है ना अलमास भाभी। एक के बाद छह, छह के बाद बारह, और बारह के बाद 21 फैक्ट्रियां लगाने के बाद ये सब कुछ मिला है। जिंदगी का कोई रंग, मेरा फैसला, मेरा इरादा, मेरा अंदाज नहीं बदल सका। यही कामयाबी की पहली शर्त है। सारी शर्तें मियां जी इसकी तरफ से आती हैं। इसने मुझे कभी बड़ा समझा ही नहीं। सारे इश्यू इसकी तरफ से आते हैं। मेरी खुशी है जो मेरे बच्चों की खुशी है। अब इनको अगर शक्तियां और इशू लगते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। बंद करो ये ड्रामा। तुम दोनों के झगड़े तुम दोनों की औलादों तक पहुंचने लगे हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। चिट्टे बाल काले करतूत, खालू खलील 2 घंटे हो गए एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं आए हुए। वो तो कल आ रहे थे। तो अब आ गए तो वापस भेज दूं? मेरी, मैं जा रहा हूं लेने उन्हें। मेहमानों की लिस्ट लुकमान के पास है। लुकमान के पास नहीं है मेरी, मेरे पास लिस्ट है, लेकिन मैं दूंगा नहीं। देखिए एक और शर्त। देखिए फैसला होगा कि दूल्हा सिर्फ शेरवानी पहनेगा। न तेरी न इसकी, मियां हाइम पेंट कोट पहनकर बारात लेकर आएंगे। मियां जी ये तो वही बात होगी। और शेरवानी पहनकर लड़की को ले जाएंगे रुखसती के बाद। बस हो गया फैसला। मियां जी ये कैसा फैसला है? तुम दोनों की अकल के मुताबिक। लोग क्या कहेंगे? अरे लोगों को छोड़ो, लोग सिर्फ खाना खाने आते हैं, ये हमारी रस्म है। मियां कलीम साहब जी, लिस्ट हमारे हवाले कीजिए। अमल, अमल, बात बात पे ब्रेकअप की धमकी, बात बात पे ताना। मूड होता है तो बात करती हो, जब करती हो तो ऐसे करती हो जैसे मैं तुम्हारा होने वाला शौर नहीं मुलाजिम हूं। मुझे लगता है मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तुम्हारे लिए, कोई हैसियत नहीं है मेरी। रोकर जिद करके अपनी बात मनवाने की आदत हो चुकी है तुम्हें। अगर इतनी बुरी लगती हूँ तो इनकार कर दो। तुम क्यों नहीं करती? तुम करो ना मर्दो। तुम तो चाहती हो कि मियाँ जी मेरी, यही चाहती हो तुम? तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। हाँ इतनी बार तुमसे सॉरी कहा है लेकिन तुम्हें ठीक से एक्सक्यूज करना भी नहीं आता। सीख लूंगी।
मनाना भी नहीं आता। वो भी सीख लूंगे। तुम भी ना अमल। अच्छा वो मेरी बेस्ट फ्रेंड आ रही है हमारा फंक्शन अटेंड करने। तो अच्छी बात है। तुम जाके उसको एयरपोर्ट से पिक कर लो प्लीज। ये सारा ड्रामा इसलिए था कि मैं तुम्हारी फ्रेंड को जाकर इनफैक्ट मैंने उसे ये भी कह दिया है कि तुम जी। ताऊ जी। अब सुनो लंबा लेक्चर। सलाम ताऊ जी। वालेकुम अस्सलाम। जरूरी बात थी। हो गई जी। हो गई। अब एक जरूरी बात मेरी भी सुनो। खालू खलील एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं, फटाफट जाओ और उन्हें ले आ। जी ठीक है। एक बात सुन, किसी को कानों कान खबर ना हो कि मैंने। समझ गया। अरे बेटा किसका है, इधर कहाँ जा रहा है? चेंज कर लो। देखो बेटी अलमास, रिश्ते दो तरफा होते हैं। यक तरफा निरी आवाज आ रही है। देखिए मियाँ जी, हम बेटी वाले हैं इसलिए ये मेरी रिजर्वेशंस हैं। अरे बेटी, लड़का भी घर का है, लड़की भी घर की है, तो फिर तू फिक्र ना कर, मैं तुझे मायूस नहीं करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या पता है, सब ठीक। खालू खलील नहीं मिले। हेल्प 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 हेल्प। हेलो, थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग, कैन यू प्लीज हेल्प? आपका प्रॉब्लम क्या है? गाड़ी खराब हो गई है, हेल्प चाहिए। क्यों सर, सड़क के बीच में गाड़ी के आगे आके आप हेल्प मांग रही हैं? आपने वो फ्रेज नहीं सुना, व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स। अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता तो? लेकिन हुआ तो नहीं ना। अगर हो जाता तो मैं अपनी जान से जाती, आपको क्या फर्क पड़ता? आप तो मजे से सेलफोन यूज करते हुए यहाँ से निकल जाते, राइट? मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? कैब खराब हो गई है। I'm sorry, मैं मैकेनिक नहीं हूँ। वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन इस वक्त इमरजेंसी है, मुझे एक जगह जाना है। एक्चुअली मुझे कहीं जल्दी पहुँचना है, मुझे एक फ्रेंड के पास जाना है, प्लीज। लेकिन मैंने आपसे कहा है ना कि मुझे जल्दी पहुँचना है कहीं। अगर आपको इतनी जल्दी थी तो फिर आप रोके क्यों? जाएं, प्लीज यू कैन गो। व्हाट एन इडियट। भाई कितनी देर लगेगी? 2 minutes. थैंक यू सो much, you are the best, you are the best, thank you bhai, thanks a lot, aap please mera samaan is gaadi mein rakho, thank you, lock, thank you so much, you are a lifesaver, you're like the best person ever, thank you. aakhir us ladki ko invite karne ki zarurat kya thi? meri best friend hai mom। बेटा उसकी फैमिली के चर्चे तो सारे न्यूज़पेपर की जीनत बन चुके हैं, तुम्हें कैसे लगता है कि किसी को पता नहीं चलेगा? मॉम, उसके पेरेंट्स ने जो कुछ भी किया उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम उसे गलत समझें।
doesn't make any sense. अब अगर इस फंक्शन में कोई गड़बड़ हुई ना तो तुम खुद ही संभालोगी, ओके? फाइन, हैंडल कर लूंगी मैं. आहिस्ता बोलो, कुछ सुन लेगा. और जल्दी से आओ, मियाँ जी दो बार तुम्हारा पूछ चुके हैं. ब्यूटिफुल है ना? This. Oh, thank you. वैसे तो शहर बहुत सारे हैं, लेकिन लाहौर की जो बात है ना वो कहीं भी नहीं है. This is beautiful. आप इस शहर के लिए नहीं है? तकरीबन, almost. जाना कहाँ? एक सेकंड, गाड़ी रोको, यहाँ गाड़ी रोको. नहीं मैं पूछ रहा हूँ आपने जाना. एक सेकंड के लिए रोको तो सही. जस्ट वन सेकंड. एक सेकंड, एक से पीछे गाड़ी है. वाओ, हियर, जस्ट वन सेकंड. जी अबू जी. जी पुत्र जी, काम हुआ? वो अबू जी. वेरी गुड वेरी गुड. बात करवा. वो खालू खलील नहीं मिले. नहीं मिले? तुझे इसका मतलब पता? अबू जी सारा एयरपोर्ट देख लिया, अनाउंसमेंट भी करवाई थी. अबू जी चलें. What's up? All good? बहुत ही वियर्ड है. खामोश लोग खतरनाक होते हैं. Just kidding यार, relax. क्या हो गया? तभी भी आपका शौक है. मजबूरी. देखो, ऐसी गाड़ी को म्यूजियम में होना चाहिए, सड़क पर नहीं. देख क्या रहे हो? आओ ना. Yes, we did it.
अपना काम तो ना सभी करते हैं, लेकिन असल काम है दूसरों के काम आना। एग्जैक्टली। जैसे कि आपने आज मेरी मदद की, सो थैंक यू। करीब एक मॉल है, अगर मैं आपको वहां ड्रॉप कर दूं तो आपके लिए काफी कन्वीनियंट होगा। एक्चुअली मुझे कहीं पहुंचना है। नो प्रॉब्लम। इनफैक्ट थैंक यू सो मच। अगर उस वक्त आप मेरी मदद नहीं करते ना, तो मेरी शक्ल पर भी इस वक्त ऐसी परेशानी होती जैसे आपकी शक्ल पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगा कि शायद आप कभी कभी जो लगता है वो होता नहीं। थैंक्स एनीवे। यही हो जाएगा। थैंक यू। अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। ये जोड़ी नहीं है, बस इत्तफाक है। इत्तफाक नहीं तो बरकत है। फिलहाल मेहमान आ लो भाई, आ गए, आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। आइए आइए, तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। मुझे ये बता, खालू खलील को लाने की ड्यूटी तेरी थी या नहीं? जी जी, मेरी थी। हाँ तो फिर आइए। आइए आइए आए। मलक साहब तशरीफ लाइए। आओ बेटा आओ। तूने हाइम को क्यों भेजा? बिल्कुल सही मियाँ साहब, बिल्कुल सही मियाँ जी। आइए 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 आइए, आओ बेटा आओ। भाई मेहमान तो धड़ा धड़ा आ रहे हैं। दुल्हन भी तैयार है मियाँ जी। अरे दुल्हन तैयार है तो दूल्हा कहाँ है? वो शेन से। क्यों भाई, दूल्हा कहाँ है? वो आ गया जी मियाँ जी, वो आ गया। अरे आ गया तो स्टेज क्यों खाली है? आओ बेटा आओ, जा के पता कर कहाँ है। ये खालू खलील भी एक पहेली बन गया। इनका पहेली बनना मुकद्दर था मियां जी। अगर आपने जिम्मेदारी, देखिए मुझे आपका लेक्चर नहीं सुनना, जाके देखिए मेहमान आ चुके हैं कि नहीं। जी ये बात, दो मखबूतुल हवास लड़के पैदा किए मैंने। तुम्हारा वीआईपी बनने का शौक पूरा हो गया? अपनी मर्जी से नहीं गया था। तुम
इनकार नहीं कर सकते थे? हाँ नहीं कर सकता। मुझे तो कर सकते हो, उन्हें क्यों नहीं? अबूजी का हाथ बहुत भारी है। अगर तुमने मेरी बात सुनी होती ना हाइम, तो ना ही तुम लेट होते और ना ही सफीना। तुम हमेशा अपने बारे में सोचना बस। बातें भी मैं ही सुनती हूँ। पता नहीं कहाँ भटक रही होगी बेचारी। अच्छा चलो सच थूक लो और मुंह मीठा करो। ये हुई ना बात। वो कुछ पर्सनल बात कर रहे हैं। अब तुम्हारी आजादी खत्म। लोग देख रहे हैं। रस्म के बाद बात करते हैं। जब तक सफीना नहीं आएगी मैं कोई रस्म नहीं करूंगी। अमर, सफीना तू क्या कर रही है यहाँ पे? इनविटेशन है मेरे पास। अपनी बकवास बंद कर और चुपचाप चली जाओ यहाँ से। नहीं जा रही, कर ले जो भी करना है तुझे। तेरी खातिर अपनी सारी रस्में रुकवाई, कौन करता है ऐसा? और मैं तेरी खातिर फ्लाइट लेकर आ रही हूँ, कौन आता है इतनी दूर से? एहसान जताने आई है। तेरे जैसी नहीं हूँ सफीना, अगर तू नहीं आई तो मैं शादी नहीं करूंगी। ड्रामा क्वीन। तेरा कुछ नहीं हो सकता। तेरा हो गया है? हो रहा है, देख ले। मतलब अभी हुआ नहीं है। जब तेरा होगा ना तब देखूंगी तू क्या करती है। जो भी करूंगी डंके की चोट पर करूंगी। तो अब करना, जब कोई मिल जाएगा ना तो कर लूंगी। मिल जाएगा, क्योंकि इत्तेफाक में वाकई बरकत होती है। आप? हाय। ये हाय मैं। हाँ। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ। ज्यादा नहीं।